समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के अपने दोनों सहयोगी कांग्रेस और आईएलडी के लिए सीट शेयरिंग तय कर दी। सपा ने सीट बंटवारे का 11-7 का फॉर्मूला अपनाया, जिसके तहत 11 सीटें कांग्रेस को और 7 सीटें आरएलडी को देने की बात कही। अखिलेश यादव का यह फॉर्मूला न तो कांग्रेस और न ही आरएलडी को रास आ रहा है। कांग्रेस आरएलडी दोनों ही अपनी सियासी ताकत के आधार पर सीटें मांग रहे हैं, लेकिन सपा 11-7 फॉर्मूले पर ही कायम। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी में भी क्या इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा या फिर नए तरीके सीट बंटवारे पर मोहर लगेगी। बता दें, उत्तर प्रदेश में विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा सपा, कांग्रेस और आरएलडी प्रमुख रूप से है। सूबे में सबसे बड़े दल होने के चलते सपा गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं और सपा ने अपने सहयोगी को यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 18 सीट देने का ऐलान किया। इसके तहत कांग्रेस को 11, आरएलडी को 7 सीटें देने की घोषणा की। कांग्रेस यूपी में 20 सीटें मांग रही तो आरएलडी 8 सीटें मांग रही। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूर्वांचल में भी 1 सीट मांग रहे हैं। सपा 18 में से 1 भी सीट बढ़ाने के मूड में नहीं। कांग्रेस में अभी भी नेताओं का एक समूह है जो बसपा के साथ गठबंधन की उम्मीद लगाए हुए। इस तरह से इंडिया गठबंधन में कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। वहीं सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सपा ने आरएलडी और कांग्रेस को जितनी सीटें देनी थी उतनी दे रखी हैं। सीट बंटवारे का फैसला हो चुका है। जयंत चौधरी के साथ सब कुछ तय हो गया है। सपा ने दो ही सहयोगियों को 11+7 सीट के फॉर्मूले पर कोई संशोधन नहीं होगा। यूपी में सहयोगी दलों के साथ सम्मानजनक आपसी समन्वय हो रहा है और सभी मिलकर भाजपा को हराएंगे। उन्होंने यह भी कहा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। उधर कांग्रेस के रणनीतिकार मान रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तहत सपा, कांग्रेस और आरएलडी की दोस्ती मुस्लिम मतों के विभाजन को भी रोकेगी, जो दोनों के लिए ही राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित होगा। मुस्लिम समुदाय मतदाताओं को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने के लिए सपा को भी यह मनोवैज्ञानिक संदेश देना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के कारण वो केंद्र की सत्ता के लिए हो रहे लोकसभा चुनाव में भी विकल्प है। इसलिए सपा के लिए भी कांग्रेस का कम महत्व नहीं है। आरएलडी के लोग भी कहते हैं, पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव का अपना यादव वोट बैंक नहीं है। सपा की पूरी सियासत मुसलमानों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, ऐसे में जरूरी नहीं कि मुस्लिम सपा के साथ जाए। 2024 में भी बीजेपी को जो भी हराता हुआ नजर आएगा उसके साथ मुस्लिम खड़े नजर आएंगे। कांग्रेस और आरएलडी दोनों में एक धड़ा है जो सपा के साथ बसपा से भी गठबंधन के पक्ष में है। उन्हें लगता है मौजूदा सियासी परिस्थिति में कांग्रेस, सपा और आरएलडी मिलकर कुछ सीटों पर बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन यूपी की ज्यादा सीटों पर नहीं सामना कर सकते। 2019 में भी बीजेपी को उन्हीं सीटों पर हार मिली थी जिन पर दलित मुस्लिम समीकरण वाली सीटें थी। आपके हिसाब से क्या इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में जीत मिल पाएगी और क्या इंडिया गठबंधन में मौजूद दलों में आपस में असमंजस बन पाएगा? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। लाइव टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें।